यूएस के बैंक्स में अफगान गवर्नमेंट के $7 बिलियन के फंड फ्रीज कर दिए गए हैं। ये यूएस ने किया है और इनको वापस नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद अफगानिस्तान में सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से अफगानिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रॉपर खाना तक नहीं मिल पा रहा है और 70 लाख लोग भूख से मरने के कगार पे हैं। तालिबान को 2021 से अभी तक किसी भी कंट्री ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है और दुनिया के बहुत से देशों ने कहा है कि वो तालिबान गवर्नमेंट को तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे और वुमेन और माइनॉरिटी के राइट्स को इंश्योर करेंगे। अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो अफगानिस्तान के अंदर चीजें बहुत खराब चल रही है। वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ता जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 28 मिलियन अफगानिस्तान की आम जनता को 2023 में सर्वाइव करने के लिए मदद की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। और सिचुएशन ऐसे ही खराब रही अफगानिस्तान के अंदर और अदर कंट्रीज ने अगर मदद नहीं करी तो काफी सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि तालिबान अलकायदा से आगे चल के फिर से हाथ मिला ले, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर अफगानिस्तान की सिचुएशन नहीं हुई तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस ला सकता है।